दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 100% प्लेसमेंट वर्सेस 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो 100% प्लेसमेंट होता है उसका यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि 100% प्लेसमेंट की जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे हो या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ से आपको 100% प्लेसमेंट मिलने वाला है। 100% प्लेसमेंट कैसे, वो उनके जो कॉलेज होते हैं या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो फर्म होते हैं बेसिकली, तो वहाँ से वो डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट कराते हैं इंटरव्यू के बेस पे। मतलब इंटरव्यू कराया और उसके बाद वो किसी कंपनी में वहाँ से प्लेसमेंट कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि IIT से 1 करोड़ का पैकेज गया, 50 लाख का पैकेज गया, या MIT हो गया, ये मतलब जो कॉलेजेस होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे उनके कंपनीज में लिंक होते हैं या कंपनी वहाँ पे आके विजिट करती हैं और जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं तो वो कॉलेज से ही उठाते हैं। तो वो मतलब होता है आपका 100% प्लेसमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉलेज में हो या जिस इंस्टीट्यूट में हो वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट दिला रहा हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कॉलेज के एंड से, या ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ से आपको मिल जाए। बट ये अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको पहले से एक बार अच्छे से पता करना पड़ेगा उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, कोई कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो उसका एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे जो फैकल्टीज हैं उनका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, या जो जहाँ से पढ़े हुए हैं वो कितना पढ़े हुए हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल पहले से चेक करनी पड़ती हैं। इसके बाद दोस्त, मैं बात करूँ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो प्लेसमेंट असिस्टेंट दिलाएंगे। कई बार हम होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, तो हम उसको समझ लेते हैं कि 100% वो प्लेसमेंट दिलाएंगे, बट वो मतलब नहीं होता है मेरे दोस्त। आप कहीं जाना तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना और वहाँ पे देखना उन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है। तो जो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट होता है कि वो आपको ये बताते हैं या गाइड करते हैं या ट्राई करवाते हैं। मतलब क्या कि आपको 100% उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट के एंड से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, बट वो असिस्टेंट दिलवाएंगे आपके कंपनीज में, हो सकता है इंटरव्यू करना जो आप जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो वहाँ पे हो सकता है, या आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है कंपनीज में, तो हो सकता है वहाँ से आपको डायरेक्ट उनका पैचअप होगा तो वहाँ से आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, या हो सकता है आपको उस लेवल का पढ़ाएंगे कि आपका जो आपकी जो जॉब है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट में कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि आपको 100% वो जॉब दिलाएंगे, बट हाँ इतना ज़रूर वो कराएंगे कि आपके इंटरव्यूज़ कराएंगे, आपको उस लेवल का पढ़ाएंगे, आपको फैकल्टी बेस्ड देंगे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जॉब इन द लास्ट कहने का मतलब आपको अपने से ही ढूंढना पड़ेगा, अपने से ही आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस होता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट एंड 100% प्लेसमेंट में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।